और वहीं कच्चा थिपू पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने पूछा कि क्या उस द्वीप पर कोई रहता है, उस पर कोई रहता है क्या, मैं पूछना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह ने कहा है। पीएम ने कहा था कि कांग्रेस डीएमके ने तमिलनाडु के लोगों को अंधेरे में रखा है। पीएम ने कहा था कि निर्दयता पूर्वक कच्चा थिपू द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया। दरअसल तमिलनाडु पहुंचे पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस और डीएमके ने तमिलनाडु के कच्चा थिपू द्वीप श्रीलंका को दे दिया और हमारे मछुआरों के साथ अन्याय किया। पीएम मोदी के बयान पर राजगढ़ से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने कहा है कि क्या उस द्वीप पर कोई रहता है, मैं पूछना चाहता हूं। एक बात सुन लीजिए, वहां के उस द्वीप पे कोई रहता है क्या, मैं पूछना चाहता हूं। वो तो कह रहे हैं कि जो मछुआरों को द्वीप को देकर के मछुआरों का अरेस्ट करा करके फिर छुड़ाने का ना कांग्रेस पार्टी सिंपैथी गेन करने का ये बेकार बातें करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर कंगना रनौत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश की अखंडता से समझौता नहीं है और इस बयान से कांग्रेस की मानसिकता जाहिर होती है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा कि ऐसी सोच वालों को देश जवाब देगा। अक्साई चिन्ह पर भी उनकी ऐसी ही सोच थी। तो देश की अखंडता से समझौता नहीं किया जा सकता और इस बयान से कांग्रेस की मानसिकता जाहिर हो रही है। दिग्विजय सिंह के बयान पर कंगना ने प्रतिक्रिया दिया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं कंगना रनौत। तो उन्होंने कहा कि अक्साई चिन्ह को लेकर भी कांग्रेस की यही सोच थी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या उस द्वीप पर कोई रहता था, मैं पूछना चाहता हूं, लेकिन कंगना ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं और नेहरू जी की अक्साई चिन्ह को बंजर जमीन बताने वाली सोच आज भी कांग्रेस में जीवित है। दिग्विजय जी का कच्चा थिपू द्वीप को लेकर दिया गया बयान उसी सोच को दर्शाता है। उन्होंने लिखा कि इसी मानसिकता के कारण कांग्रेस शासन में भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया, लेकिन यह नया भारत है, यहां देश के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशन का भी उन्होंने जिक्र किया है। हिमाचल प्रदेश के कॉमिक जैसे ऊंचे गांव तक बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, बिजली से घर हर घर रोशन है। देश की भौगोलिक अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसी सोच रखने वालों को देश जवाब जरूर देगा। मंडी से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार हैं कंगना रनौत। उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया है। कच्चा थिपू द्वीप को लेकर अब राजनीतिक सियासी पारा जो है वो हाई हो रहा है। प्रधानमंत्री के तमिलनाडु में दिए गए बयान के बाद दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया आई और दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर अब कंगना ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी से कंगना रनौत ने मोर्चा संभाला और उन्होंने कहा कि देश की अखंडता से समझौता नहीं किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया है। और कच्चा थिपू द्वीप के बारे में आपको बड़ी बातें बताते हैं। शुरुआती मध्यकालीन के समय में श्रीलंका के जाफना किंगडम का यह हिस्सा था। 17वीं सदी में रामनाथपुरम के रामानंद साम्राज्य के पास आ गया। 1921 में मछली पकड़ने को लेकर भारत श्रीलंका के बीच विवाद हुआ। 1974 में शर्तों के साथ भारत ने द्वीप श्रीलंका को दिया। अब भारतीय द्वीप का इस्तेमाल कर सकते थे, मछुआरे पहुंचकर वहां अपने जाल सुखा सकते थे। फिशिंग और जाल सुखाने के लिए द्वीप से इस्तेमाल की सशर्त ये इजाजत थी। कुछ समय बाद मछुआरों पर श्रीलंका की नौसेना कार्रवाई करने लगी और पीएम मोदी ने कच्चा थिपू द्वीप को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। जानबूझकर कच्चा थिपू द्वीप श्रीलंका को देने का आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया। कांग्रेस और डीएमके पार्टी के एक और पाखंड की चर्चा आज पूरा देश कर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कई दशक पहले इन लोगों ने कच्चा थिपू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। किस कैबिनेट में यह निर्णय हुआ, किसके फायदे के लिए फैसला हुआ, इस पर कांग्रेस की बोलती बंद है। बीते वर्षों में उस आइलैंड के पास जाने पर तमिलनाडु के हजारों मछुआरे गिरफ्तार हुए हैं, उनकी बोटें गिरफ्तार कर ली गई है। गिरफ्तारी पर कांग्रेस और डीएमके